लैपटॉप रिपेयरिंग में ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ की आवश्यकता। सामान्य रूप से यदि हम ओम्स लॉ की बात करें तो ये एक थ्योरी से जुड़ा हुआ विषय है। जो लोग इस पृष्ठभूमि से नहीं आते, जिनको फिजिक्स पढ़ी है, जिन्होंने भौतिक शास्त्र पढ़ा है, तो उनको ये ओम्स लॉ समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लैपटॉप रिपेयरिंग में ओम्स लॉ की इतनी आवश्यकता है कि यदि इसका ज्ञान आपको स्पष्ट रूप से नहीं है तो लैपटॉप रिपेयरिंग में आपको तकलीफ़ आती है। क्योंकि जैसा जो लोग भौतिक शास्त्र की पृष्ठभूमि से हैं, उनको ये पता होगा कि ओम्स लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई आर, जिसमें वी वोल्ट्स यानी विभवांतर, आई यानी करंट, हिंदी में इसको धारा बोलते हैं, और इसको ए से नापते हैं। इसकी यूनिट ए है और इसकी यूनिट वी है। रेजिस्टेंस इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं और हिंदी में प्रति रोधक, और इसकी यूनिट आर है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों है? जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयर करते हैं तो उसमें उसकी जो आर की वैल्यू है यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कम या ज़्यादा से क्या मतलब है? कम हो गई यानी शॉर्टिंग हो गई। कम का तात्पर्य यहाँ शॉर्टिंग है, जिसे रिपेयरिंग में हम शॉर्टिंग बोलते हैं। यानी कहीं यदि 1K रेजिस्टेंस होना चाहिए था, यदि कहीं 1K रेजिस्टेंस होना चाहिए था, वो घटकर 10 ओम रह गया, तो रेजिस्टेंस घट गया यानी शॉर्टिंग हो गई। मतलब वो सर्किट बना हुआ है 1K वोल्ट्स पे काम, 1K रेजिस्टेंस पे काम करने के लिए, और वो घटके 10 ओम रह गया, इसका मतलब उसका वहाँ कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया है। यानी इस सर्किट के अंदर कोई कंपोनेंट ख़राब होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कम हो गया है। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहाँ देखिए वी और आई पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो वी, यदि ये आर कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगा। तो जब हम सप्लाई में उसको देखते हैं कि करंट बढ़ गया, करंट बढ़ने का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया या रेजिस्टेंस घट गया, तभी तो ये करंट बढ़ेगा। यानी ए बराबर ये होना चाहिए, यदि जो मान लिया हमने वोल्टेज जो अप्लाई किया हुआ है उसके बराबर ही इन दोनों का गुणा होनी चाहिए, इन दोनों की गुणा के बराबर वोल्टेज। और वोल्टेज हमारे सामान्य रूप से हमारे लैपटॉप प्रिपेयरिंग में 19 वोल्ट रहते हैं, किसी में 20 होंगे, किसी में 18.5 होंगे, बट हम अपनी सप्लाई को सामान्य रूप से 19 वोल्ट की सेटिंग पर रखते हैं। तो 19 वोल्ट की सेटिंग पे यदि रेजिस्टेंस कम हुआ है तो एम्पियर बढ़ जाएगा, एम्पियर बढ़ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग है। इसलिए ओम्स लॉ की आवश्यकता है, इसको ध्यान से पढ़ने की है। यदि हम कंपोनेंट लेवल की टेस्टिंग करते हैं, तो VI करेक्टरिस्टिक, VI करेक्टरिस्टिक्स की चेकिंग कर रहे होते हैं। हम एक सर्टेन वोल्टेज अपने मल्टीमीटर से या जो हमारे VI करेक्टरिस्टिक्स या VI ग्राफ बनाते हैं उनके थ्रू हम सर्किट पे लगाते हैं तो वो कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं,
तो वो कुछ आपने कभी इमेजेस देखी होंगी, इस तरीके की इमेजेस बनती हैं या इस तरीके से बन जाएगी कोई इमेज, तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बन जाते हैं। तो हम मल्टीमीटर से भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ही मेजर कर रहे होते हैं, यानी उसमें जो रीडिंग आ रही होती है, हमारी मल्टीमीटर की प्रॉब में कुछ वोल्टेज होते हैं, जो वोल्टेज हम जब हम सर्किट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उन वोल्टेज, वो वोल्टेज घटने के बाद कितने रह गए वो यहाँ से कैलकुलेट होता है। यानी हमने एक वोल्टेज लगाया, सर्किट का एक रेजिस्टेंस है, कितना करंट आया इसके ऊपर हमारा मल्टीमीटर कैलिब्रेटेड होता है, और इसी के ऊपर मल्टीमीटर हमको एक रीडिंग देता है कि वोल्टेज घट गया है, रेजिस्टेंस कम हो गया है या बढ़ गया है। अब मैंने यहाँ लिखा जैसे कम या ज़्यादा, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा का मतलब ओपन सर्किट, सर्किट का खुल जाना यानी सर्किट का पूरा ना होना, या सर्किट जिन जिन कंपोनेंट्स के माध्यम से पूरा होना चाहिए था उसमें से कुछ कंपोनेंट जल गए, ओपन हो गया, ओपन हो गया तो फिर करंट कम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, यदि करंट कम होगा यानी कोई सेक्शन उस पीसीबी का काम ही नहीं कर रहा, जब पीसीबी का कोई सेक्शन काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो पीसीबी वैसे ही काम नहीं कर रही होगी क्योंकि उसके बहुत सारे सेक्शंस काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ओम्स लॉ की आवश्यकता है, इसको पढ़ना अति आवश्यक है। यदि ओम्स लॉ आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लैपटॉप रिपेयरिंग में या पीसीबी रिपेयरिंग में, ज़रूरी नहीं है आप लैपटॉप ही रिपेयर कर रहे हों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसका एक बेसिक है कि यदि रेजिस्टेंस घटेगा तो वीआई करेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे, या वीआई करेक्टरिस्टिक माने वोल्टेज एंड करंट का चरित्र बदल जाएगा, यदि हम हिंदी में करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करें, कि जो डिजाइंड है उससे गया तो घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे, और ये निर्भर करेगा, अब क्यों निर्भर करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि ओम्स लॉ में आर हमेशा कांस्टेंट है, आर हमेशा नियतांक है, आर यहाँ पे कांस्टेंट है, आर इज कांस्टेंट। और हमारे सर्किट में क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें खराबी है तो वो कांस्टेंट ना होके बदल गया है, बदल गया है तो वोल्टेज के हिसाब जो वोल्टेज हम उतने ही लगाएंगे तो करंट के पैरामीटर बदल जाएंगे, करंट बदल जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे बोर्ड में दिक्कत है। अब हमें उन कंपोनेंट्स को ढूंढना है, उन पुर्जों को ढूंढना है, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को जो खराब हुए हैं बोर्ड के ऊपर, उसको ढूंढने के लिए हम यहाँ ये सब ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, और आप यदि इन सबको सीख के अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं तो अच्छी बात है।